हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आशालता लिविंग नेचर से। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों को एक मैजिक लिक्विड फर्टिलाइजर के बारे में बताएंगे। तो ये फर्टिलाइजर आप मंथली एक बार पेड़ पौधे में दीजिएगा तो इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। जैसे आपका पौधा में फूल नहीं आ रहा है तो उतना आपका पौधा हेल्दी नहीं है, तो ये फर्टिलाइजर आप दीजिएगा, मंथली एक बार दीजिएगा तो देखिए ढेर सारा फूल फल आ जाएगा। देखिए ये मेरा रंगोन में, देखिए फ्रेंड्स ये बहुत सारा फूल है और देखने में भी बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए फ्रेंड्स, तो हम ये लिक्विड फर्टिलाइजर इसमें हम दे रहे हैं, तो एक महीना में एक बार दे रहा है। फिर इधर देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए ये मेरा जो ब्लीडिंग हार्ट है इसमें भी हम डालते हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है फ्रेंड्स। तो आप लोग ऐसा करके हर पेड़ पौधे में दीजिएगा। ऐसे भी कोई फलों का पौधा है, जो फ्रूट्स पौधा है, जो वेजिटेबल्स है, हर पेड़ पौधे में आप ये लिक्विड फर्टिलाइजर डाल सकते हैं और बहुत जल्दी जल्दी ये रेडी हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं कौन सा चीज हम यूज कर रहे हैं। तो पहले देखिए फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास है देखिए काउडंग कंपोस्ट। तो काउडंग है फ्रेंड्स, ये पुराना जो काउडंग है वही है जो हम ड्राई करके रख दिया। तो हम यहीं पर लगभग 2 किलो लिया। आपके पास पुराना नहीं है तो ऐसे भी जो मिलेगा आप यूज कर सकते हैं। तो ऐसे जो सूखा जो गोएटा बोलता है जो मिलता है काउडंग से बना मिलता है, वो भी लेके भिगो के आप ये फर्टिलाइजर बना सकते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो देखिए हम यहीं पर लगभग 2 किलो ये काउडंग फर्टिलाइजर लिया और उसके साथ फ्रेंड्स हम मिलाएंगे ये देखिए ये जो मेरा मस्टर्ड केक फर्टिलाइजर। तो ये भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। तो ये भी प्लांट के लिए, इसमें तो ऑर्गेनिक एनपीके होता है, तो नाइट्रोजन भी बहुत अच्छा होता है। इससे क्या होता है, आपका पेड़ पौधा बहुत हेल्दी रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके साथ हम मिलाएंगे फ्रेंड्स ये जो गुड़ है, गुड़ भी हम यहीं पर 250 ले लिया और काउड ये मस्टर्ड केक ये भी 250 लिया। तो गुड़ भी जितना पुराना गुड़ होगा वो भी चलेगा फ्रेंड्स। आपका घर में ऐसे पड़ा हुआ है वो भी ले लीजिएगा और ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो पहले देखिए फ्रेंड्स हम क्या करें, ये गुड़ थोड़ा यहीं पर जम गया और ये देखिए ये थोड़ा पुराना हो गया देखिए, तो इसलिए इसमें हम थोड़ा पहले पानी डालेंगे तो घुल जाएगा। तो निकलने से सुविधा होगा, तो हम ऐसे करके इसमें थोड़ा पानी डाल दिया। और फ्रेंड्स उसके साथ हम एक बाल्टी लिया, ये बाल्टी में हम पहले देखिए ये जो मस्टर्ड केक ये भी डाल देंगे, डाल दिया और उसके साथ एक काउडंग कंपोस्ट भी डाल देंगे। ये डाल दिया और फ्रेंड्स उसके साथ हम ये गुड़ भी डाल देंगे। और फ्रेंड्स ऑर्गेनिक जो फर्टिलाइजर आप देते रहिएगा तो धीरे धीरे आपका पौधा बहुत अच्छा हो जाएगा। और ऐसे भी केमिकल फर्टिलाइजर दीजिएगा तुरंत आपका लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, फिर भी वो बाद में आपका पौधा बहुत खराब हो जाएगा और मिट्टी भी धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए ये सब डालिए फ्रेंड्स। और यहीं पर हम पानी डालेंगे लगभग, यहीं पर पूरा पूरा भर के हम पानी डालेंगे
देखिए यहीं पर हम 10-12 लीटर पानी यहीं पर डाल रहे हैं। तो पूरा हम धो के डालेंगे फ्रेंड्स, इसको बर्बाद मत होने दीजिए। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर है फ्रेंड्स। और पानी डालना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ऐसा करके भिगो के रख दीजिए और इसका कवर मत कीजिएगा फ्रेंड्स। कवर करने से इसमें थोड़ा ज़्यादा गंद हो जाता है और वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसा करके कोई छावा जगह में रख दीजिए, ऐसे खुला रख दीजिए और दिन में 1-2 बार 2-3 बार ऐसे घुमाइएगा तो अच्छा है। बहुत जल्दी जल्दी ये रेडी हो जाएगा और 6-7 दिन बाद आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये कैसे यूज़ कर कीजिएगा फ्रेंड्स, देखिए जो ये 1 लीटर ये पानी लीजिएगा और उसके साथ आप 10 लीटर पानी मिला के कितना ज़रूरत है आप हर पेड़ पौधे में डाल सकते हैं। तो ऐसा करके आप लोग ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। तो अभी हम और थोड़ा पानी डालेंगे। ये जो काउडंग कंपोस्ट है ये पूरा ड्राई है, ये पूरा पानी सूख जाएगा। तो फ्रेंड्स हम 6-7 दिन बाद आप लोगों को 7 दिन बाद आप लोगों को हम दिख। तो फ्रेंड्स 7 दिन बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे इसका कैसा कंडीशन है और तब हम मिला के आप लोगों को दिखाएंगे। तो अभी हम रख देंगे छावा जगह में। तो देखिए फ्रेंड्स ये है वही मैजिक लिक्विड फर्टिलाइजर। तो देखिए हम 7 दिन हर रोज ऐसा करके घुमाता था, घुमाया तो इसे मिक्स कर दिया और उससे क्या हुआ देखिए, मेरा ये लिक्विड फर्टिलाइजर से एकदम नहीं स्मेल आया, एकदम स्मेल नहीं आया। ऐसे भी इसमें जो है मस्टर्ड केक ये तो 2-3 दिन बाद ऐसे भी इसमें स्मेल आता है। तो फिर ये फर्टिलाइजर हम रख दिया और एकदम खुला रख दिया और देखिए इसमें एकदम स्मेल नहीं आया। तो अभी हम ये हर पेड़ पौधा में डालेंगे फ्रेंड्स। ये बहुत अच्छा फर्टिलाइजर फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो देखिए हम यहीं पर एक बाल्टी लेंगे और उसके हम देखिए 1:10 रेशियो में हम मिक्स करेंगे। तो हम यहीं पर एक मग लेंगे और यहीं पर हम 10 मग डालेंगे ऐसा करके। और ये लिक्विड फर्टिलाइजर फ्रेंड्स शाम के टाइम दीजिएगा तो बहुत अच्छा इसका असर होगा, और नहीं तो आप ऐसे भी सुबह में जब धूप नहीं निकलता है उस टाइम दे दीजिए तो अच्छा है, धूप में मत दीजिएगा फ्रेंड्स। तो अभी थोड़ा धूप हो गया, आप लोगों को हम दिखा रहे हैं 1-2 प्लांट में हम डाल के आप लोगों को दिखाएंगे। और देखिए यहाँ पर 1:10 एक लीटर पानी में लिक्विड फर्टिलाइजर में 10 लीटर पानी मिक्स कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये रेडी हो गया और अभी हम हर पेड़ पौधे में डाल के आप लोगों को दिखाएंगे फ्रेंड्स। ये देखिए बहुत अच्छी लिक्विड फर्टिलाइजर हो गया। और थोड़ा थोड़ा जिस पौधे में जितना लगता है उतना दीजिएगा, बड़ा पेड़ में एक मॉक दीजिएगा तो हो जाएगा और छोटा जो पौधा है उसमें थोड़ा जितना ज़रूरत है उतना डालिए, कुछ नहीं होगा।
जो पौधों में फ्लावर है, फ्रूट्स है, भेज वही पौधा में डालिएगा तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जब दीजिएगा फ्रेंड्स, पहले थोड़ा पानी दे के भिगो के रख दीजिए तो अच्छा है, नहीं तो जब पानी दीजिएगा फट से निकल जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक गुलाब के पौधा में भी हम डालेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा लिक्विड फर्टिलाइजर जरूर यूज कीजिएगा फ्रेंड्स, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैप्पी गार्डनिंग। तो फ्रेंड्स, किसी को गुड क्वालिटी का सीड्स प्लांट चाहिए तो मेरे पास है, आप लोग मांग सकते हैं। मेरा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम ईमेल एड्रेस दे दिया, आप लोग ईमेल कर सकते हैं। तो आप लोग को ठीक टाइमली सब सीड्स प्लांट अच्छा क्वालिटी का, गुड क्वालिटी का मिल जाएगा।